भाजपा तय भाजपा, यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारी। ये आंटी जी मिल गई भैया, लाख लोग इनको रोके लेकिन इन्होंने ये मना नहीं, ये खुद चली आई। ये सारी फोर व्हीलर की पार्किंग लगी हुई है वहाँ पे। वहाँ पे ब्लैक कमांडोस हैं, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह बनाए गए हैं। बोला भी बिचारी सब। आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले आजम पार्टी की पहचान क्या थी? इस आजम कार्ड पर पिछली सरकारों के कारण बल्कि विकास और आधुनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ने के लिए आजम कार्ड को लोक कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए आप सब आज प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज हम सब इस बारे में जानते हैं कि 4 करोड़ रुपए से की लागत से बने हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो आज आजमगढ़ के विकास की एक धुरी बन चुकी है और ये सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण, जिसने आजमगढ़ को फिर से उसकी पुरातन पहचान को दिलाया है। और यही कार्य उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है और यही पूरे देश के अंदर भी आज हर भारतवासी इस बात को स्वीकार करता है। ग्रामीण क्षेत्र में 1,10,000 लाभार्थियों को और शहरी क्षेत्र में 17,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। तो जो पटन के दफ्तरी मेरा से नए नीति का कारक जनमानस की आकांक्षाओं रखने को उड़ान के लिए एक नया आकाश ये लंदन पटराव होटल ने यही देखा है उस होटल में पाने के लिए नहीं मत यात्रियों की संख्या 2 करोड़ से अधिक हो गई है। भारतीय हवाई अड्डों की यात्री वहन क्षमता में भी 2,500 बढ़ोतरी हुई है। पटन के दफ्तरी मेरा से नए नीति का कारक जनमानस की आकांक्षाओं रखने को उड़ान के लिए एक नया आकाश लंदन पटराव होटल ने यही देखा है उस होटल में पाने के लिए नहीं मतलब
टर्मिनल भवनों का निर्माण किया गया है। पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे में भी 115 करोड़ रुपए की लागत से नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही 4,600 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली के आईटीआई एयरपोर्ट के वर्तमान किया जा रहा है। जनपद स्वतंत्र में 108 करोड़ रुपए से राज्य विश्वविद्यालय स्थानीय युवाओं को उच्च शिक्षा में नई दिशा देगा।